हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेल्पिंग ट्रिक्स ऑफ टेक इन गेम्स। तो दोस्तों, पिछला जो मैं वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैं बताया था कि रियल क्रिकेट 18 में जो नया अपडेट आया है उसमें आप कैसे विकेट ले सकते हो, वो था दोस्तों लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेस्ट मैच में आप कैसे विकेट ले सकते हो, और मैंने जो ट्रिक बहुत ही ढूंढा दोस्तों, कल से मैं कोशिश किया जा रहा है ट्रिक को, तो आखिरकार मुझे वो ट्रिक मिल गया है। तो पूरी इस वीडियो को देखिएगा आखिर तक, जिससे आप लोग को समझ आ जाएगी कैसे विकेट लेना है, और कमेंट पे प्लीज़ मत बताना कि वर्क नहीं किया है या वर्क नहीं करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, वीडियो को पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। आज का जो एम है दोस्तों लाइक का, वो है 55 लाइक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग 55 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे, और चैनल को पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हो जहाँ पर मैंने बताया था कि रियल क्रिकेट 18 की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आप कैसे विकेट ले सकते हो, तो वह मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो का बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बॉलिंग मीटर है दोस्तों, आपको मैं पिछला वीडियो में भी सेम बताया था, वही रखना है कि जो ग्रीन जोन जहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों, रेड एरो से आपको बॉल, माफ़ कीजिए, वो जो एरो है वहाँ पे आपको ग्रीन जोन में ही रखना है, जिससे वो रियल क्रिकेट 18 ने एक छोटा सा हिंट यहाँ पे दे ही दिया है, जिससे आप लोग को मदद हो कि विकेट कैसे लेना है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी बॉल डालेंगे कोशिश करना है कि ग्रीन जोन में ही आपको जो लाइन है उसको रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर चाहे आपको फील्ड सेट करना है, वह फील्ड अटैकिंग फील्ड 4 रखना है आपको, क्योंकि ये जो ट्रिक है दोस्तों अटैकिंग 4 से ही एप्लीकेबल है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अटैकिंग 4 से ही चाहिए फील्ड। दोस्तों, यहाँ पर आपको फुल लेंथ और गुड लेंथ के बीच में आपको बॉल को डालना है, और बॉल को आपको यहाँ पर इन स्विंग करना है। यदि बल्लेबाज दोस्तों लेफ्ट हैंड है तो आप यहाँ पर ऑफ साइड से ही बॉल करें, और बल्लेबाज राइट हैंड तो आपको तब भी ऑफ साइड से बॉल करना है, बट तब आपको यहाँ पर आउट स्विंग करना है, और जब बल्लेबाज अभी लेफ्ट है तो आपको इधर अभी इन स्विंग करना है, तभी जाके दोस्तों ये ट्रिक आपको काम होगा। और आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो ग्रीन मीटर है वहाँ पर आपको रखना है, और बॉल फुल लेंथ और गुड लेंथ के मिडल में, और बॉल का आपको इन स्विंग करना है। तो दोस्तों, मैंने जो जो आपको ट्रिक बताया दोस्तों, उसे आपको फॉलो करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका ये जो ट्रिक है काम कर जाएगा। और आपको तीन चीज़ें को आपको ध्यान में रखना होगा, जो बॉल आप का जो स्पीड मीटर है दोस्तों, वहाँ आपको आपको रखना है दोस्तों ग्रीन जोन में, वो जो एक लाइन है दोस्तों आपको ग्रीन जोन में आपको रखना है, और बॉल आपको डालना है दोस्तों गुड लेंथ और फुल लेंथ के बीच में डालना है, और तीसरा जो आखिरी है दोस्तों की फील्ड सेटिंग आपको अटैकिंग 4 ही रखना है। ये आप मान के चलेंगे तो यहाँ पर आसानी से विकेट मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों, अंपायर ने यहाँ पर कह दिया नॉट आउट, पर यहाँ पर मैं आपको डिसीजन रिव्यू देकर दिखाता हूँ कि ये आसान सा विकेट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पसंद आएगा, तो पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत भूलना, तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना, जिससे आगे भी वीडियोस में ऐसे ट्रिक्स हेल्पिंग ट्रिक्स ला सकूँ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।